हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर MD पुणे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे रिगार्डिंग हेयर लॉस, बाल्डनेस, क्या मैस्ट्रुएशन और सेक्स हेयर लॉस या बाल्डनेस कर सकता है, इज द मेन रीजन फॉर बाल्डनेस। रियली स्पीकिंग, ये सारासार झूठ है, ऐसे किधर भी प्रूव नहीं हो गया है। फैक्ट इज दैट मैस्ट्रब्यूशन, सेक्स, इट डजंट लीड टू हेयर लॉस और बाल्डनेस। इतना ही चीज ध्यान में रखिए। देर आर बहुत सारे रीजंस है हेयर लॉस के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग है बाल्डनेस के लिए आपका जेनेटिक पैटर्न, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, यानी जेनेटिकली जिनमें ये बाल्डनेस आ रहा है, ऐसे लोगों में ये स्काल्प के ऊपर वाले बाल रहते हैं, वो बाल टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को सेंसिटिव रहते हैं, कि जिनमें टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, बालों को जेनेटिकली जो ससेप्टेबल हेयर रहते हैं वहाँ वो मिनीचराइजेशन करता है, थिनिंग करता है, शॉर्टनिंग करता है, और वो बाल मर जाते हैं और वहाँ हेयर लॉस और बाल्डनेस हो जाता है। मैस्ट्रब्यूशन और सेक्स लाइफ से ये होने की जरूरत नहीं है। कुछ थ्योरीज ऐसे लोग पुट कर रहे हैं कि सेक्स और मैस्ट्रब्यूशन के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है और ज्यादा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन तैयार हो जाता है और वो बाल्डनेस करता है। टेस्टोस्टेरोन की लेवल पे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन तैयार होना अगर ये है वहां, लेकिन हर एक पर्सन में फिर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रहता है, हर एक पर्सन बाल्ड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज पर्सन है, जिनमें पीढ़ियों में आ रहा है, माँ की साइड से आ रहा है, पिताजी की साइड से आ रहा है बाल्डनेस या टक्कल, ऐसे लोगों में डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये काम करता है और ये करता है। सेक्स के बाद ये बढ़ गया, इसीलिए बाल्डनेस या हेयर लॉस नहीं होने वाला, नहीं होता। अगर ऐसे हो जाता सेक्स के या मैस्ट्रब्यूशन के बाद बाल्डनेस, तो दुनिया भर में बहुत सारे नहीं, पूरी दुनिया बाल्ड हो जाती। तो ये ट्रू नहीं है, दिस इज मिथ, सो उससे अलग रहिए। हेयर लॉस के जो कुछ रीजंस है वो रीजंस देखिए, डॉक्टर को दिखाइए। हर एक रीजन ट्रीटेबल कंडीशन में अभी आ रहा है, नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही है, फिनास्ट्राइड, मिनोक्सिडिल, विटामिन सप्लीमेंट, PRP, लो लेवल लेजर लाइट, रोलर, बहुत सारे ट्रीटमेंट आ रहे हैं जिससे आप अपने बाल्डनेस के लिए और अपने हेयर लॉस के लिए, मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे ये चीज़ों से अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। हेयर लॉस का मेन रीजन जो कुछ है उसके बारे में ट्रीटमेंट कीजिए। और लोग कहते हैं कि सेक्स और मैस्ट्रब्यूशन के यहाँ जो इजैक्युलेशन हो जाता है, जो हमारा सीमेन बाहर निकलता है, उसमें से बहुत सारा प्रोटीन लॉस हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। कितना इजैक्युलेशन होता है, कितना प्रोटीन लॉस होता है, हार्डली 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, इससे ज़्यादा तो नहीं। हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट 50 ग्राम से ज़्यादा रहते, उसमें से 4-5 ग्राम पड़ गया, इसलिए कुछ हेयर लॉस या बाल्डनेस होने वाला नहीं है। वो कुछ भी खाने के बाद, प्रोटीन खाने के बाद वो बढ़ जाता और बाल्डनेस नहीं हो जाता। तो हेयर लॉस के बहुत सारे रीजन है, उसे ट्रीट करो, आपका हेयर लॉस अच्छा हो जाएगा। हेयर लॉस होने वाला पेशेंट या आदमी या औरत, उसको स्ट्रेस रहता है, आई नो, बट वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हेयर लॉस हो जाएगा, स्ट्रेस उसका मत लीजिए। या
अगर आप मैस्टर्बेशन और सेक्स अगर इसको टोटली बैन करेंगे, नहीं करेंगे, तो और आपका लाइफ, सेक्स लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाएगा, और वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, इसकी वजह से नहीं होता। तो सोचिए, हेयर लॉस मैस्टर्बेशन और सेक्स लाइफ से नहीं होता। हेयर लॉस के और बाल्डनेस के सब रीजन, मेजॉरिटी ऑफ रीजंस, उनके लिए ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट कीजिए और आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी बनिए। ये ऐसे मिथ्स में, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे मत जाइए। फिर भी अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चंस है, इसके बारे में कोई भी शंका है, तो हमें नीचे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पे जाके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।